हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो? आज का हमारा स्लोगन रहेगा, रफ़ी सर का नारा है, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप हमारा है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि मैं आपको अभी प्रैक्टिकली सारे शेप फील करा दूंगा, जिससे आप एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आने वाले प्रॉब्लम को इजीली कर पाएंगे, क्योंकि सारे शेप आपकी आंखों के सामने होगा, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम ज्ञान की बात से स्टार्ट करते हैं। तो ज्ञान की बात में ये है कि जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे मिक्सिंग होगा एटॉमिक ऑर्बिटल का, और जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो आपको क्या मिलेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसका नाम क्या रखेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे टू गिव यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो देखने में कैसे हैं? एस का जो शेप है वो स्फेरिकल है, एवरीवन नोज। पी का डंबल है और इसमें तीन ऑर्बिटल होंगे। डी का डबल डंबल है, इसमें पांच ऑर्बिटल होंगे। तो सबका शेप आप देख सकते हो अलग अलग है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये सब। ये जब मिक्स होंगे तो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे, और उसका शेप कैसा होगा? तो सबका फिक्स है, ऐसा होगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि मिक्सिंग से पहले, अगर आप ध्यान से देखो, मिक्सिंग होने से पहले डिफरेंट शेप था सबका। इसका स्फेरिकल है, इसका डंबल है, इसका डबल डंबल है, डिफरेंट साइज होगा, डिफरेंट एनर्जी होंगी। मिक्सिंग से पहले सब कुछ डिफरेंट है, बट आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग होने के बाद आपका सबका शेप सेम होगा, और ये इस टाइप का होगा। एक बड़ा लोब होगा और एक छोटा सा लोब होगा। सबका साइज सेम होगा, सबकी एनर्जी सेम होगी। और इसको हम प्रैक्टिकली अगर फील करना चाहें तो आप ऐसे फील कर सकते हैं जैसे लड्डू बनता है। तो लड्डू बनने से पहले वाटर अलग है, शुगर अलग है, उसमें जो बेसन यूज कर रहा हो वो अलग है, सब कुछ अलग है, राइट? सबका नेचर अलग है, बट आफ्टर मिक्सिंग जब आपको लड्डू बन के मिलता है तो सबका सेम शेप होता है, सबका सेम स्वीटनेस होता है, सबका सेम कलर होता है, एवरीथिंग सेम होता है। वैसा ही सेम प्रोसेस ये है कि मिक्सिंग से पहले ये सब कुछ डिफरेंट है, और मिक्सिंग होने के बाद जादू हो गया, डैट मीन्स आपका सब शेप सेम होगा, साइज सेम होगा, एनर्जी सेम होगा। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो तो डिफरेंट हैं, बट हाइब्रिड ऑर्बिटल, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज फिक्स, और वो भी डंबल टाइप का ही है, बट एक बड़ा लोब होगा और एक स्मॉल लोब होगा। बड़ा लोब इसलिए ताकि मैक्सिमम ओवरलैपिंग एरिया मिलेगा हमें। और नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाइब्रिडाइजेशन से ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। इस बात को आप माइंड में पूरा बैठा लें कि हाइब्रिडाइजेशन से ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन से ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ज्ञान की बात में पॉइंट नंबर सिक्स ये है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल भी आपको मिलेंगे। अगर दो मिक्स हुए तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, चार मिक्स हुए तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल, दैट्स वेरी सिंपल। और रिफरेंस एक्सिस जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो जेड एक्सिस को ले रहा हूँ, डैट मीन्स जितने भी अब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो अलोंग द जेड एक्सिस होंगे। आप रिफरेंस एक्सिस किसी भी एक्सिस को ले सकते हैं, आई एम टेकिंग हियर जेड एक्सिस। नाउ मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। तो दो जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे जब भी, तो आपको एस से स्टार्ट करना। आप ध्यान से देखो तो दो मिलने का मतलब एक एस और एक पी, ये दो घर आप यूज करेंगे, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का नाम रहेगा एस पी। डैट मीन्स दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम रहेगा एस पी एस पी, ये एक का नहीं है, ध्यान रहे मैंने सिर्फ नाम लिखा है। तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे और दोनों का नाम एस पी एस पी रहेगा। अगर तीन मिक्स हुए तो नाम कैसे रखेंगे? एक एस एक पी और एक और पी, तो नाम हो जाएगा एस पी टू एस पी टू एस पी टू, तीनों का नाम सेम रहेगा एस पी टू एस पी टू एस पी टू। अगर चार मिक्स हुए तो एक एस और ये तीनों पी यूज करेंगे आप, तो नाम हो जाएगा उसका एस पी थ्री एस पी थ्री एस पी थ्री एस पी थ्री, चारों का नाम सेम रहेगा। सिमिलरली अगर पांच ऑर्बिटल मिक्स करते हैं तो अब एस पी फोर आप नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि पी के तीनों यूज हो चुके हैं, तो एक एस यूज होगा, तीन पी यूज होगा और एक डी यूज होंगे, इसलिए नाम इसका क्या रहेगा?
sp3d, और ऐसे कितने और बटन मिलेंगे आपको, पांच, सबका नाम सेम रहेगा, sp3d 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 sp3d। ओके, छह और बटन अगर मिक्स होंगे तो अब एक s, तीन p और दो d यूज हो जाएंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, sp3d2। ये जो पावर है इससे भी आपको आइडिया लगेगा, s1 p1, तो दो ही ऑर्बिटल मिक्स हुए, जैसे यहाँ पे S1P3D2, तो टोटल 6 हुए, इसलिए 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। और अगर 7 हो गए तो ये वाला भी डी हो गया, तो आपको हाइब्रिडेशन का नाम हो जाएगा SP3D3। तो यहाँ पावर से भी पहचान सकते हो, ध्यान रहे कि चूंकि P में मैक्सिमम तीन ही घर हैं तो इसलिए वो तीन ही मैक्स यूज हो सकता है, S में एक ही है इसलिए S एक ही यूज हो सकता है, उसके बाद फिर D आ जाएंगे। तो SP3 खत्म होने के बाद अब नेक्स्ट SP4 मत करना गलती से, SP3D होगा, फिर SP3D2 होगा, फिर SP3D3। अपने को इतना ही हाइब्रिडेशन पढ़ना है, दो अलग होते हैं, एक DSP2 होता है, एक D2SP3 भी होता है, वो सब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अभी बॉन्डिंग में आपको इतने हाइब्रिडेशन देखने को मिलेंगे, और दैट्स वेरी सिंपल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। यहाँ पे देखो नाम अलग अलग है, SP या SPX PY, बट हाइब्रिडाइजेशन के बाद सबका नाम क्या हो जाएगा, सेम। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की, जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। तो देखो ट्रिक्स का बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे ट्रिक से। तो आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम का सिग्मा बाउंड काउंट कर लेना है, डैट मीन्स सेंट्रल एटम ने कितना सिंगल बाउंड बनाया है अपने सराउंडिंग एलिमेंट से, वो काउंट करना है, प्लस सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर है, डैट मीन्स वैलेंस सेल के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हुए, और दो इलेक्ट्रॉन को एक काउंट करना है, एक लोन पेयर। तो सिग्मा एंड लोन पेयर आपको काउंट कर लेना है, और उसका सम जो आएगा, सिग्मा और लोन पेयर का सम मान लो दो आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे दो मार्कर है, तो मैं दो मार्कर एज्यूम करूँगा। आप एग्जाम में आपके पास दो पेन होंगे तो आप दो पेन एज्यूम करेंगे, तीन आएगा तो तीन, चार आएगा तो चार, और उसको हम क्या करेंगे, स्पेस में अरेंज करेंगे सच डैट कि उनके बीच मैक्सिमम एंगल हो या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस हो। तो देखिए कैसे करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है CO2, तो इसमें सेंट्रल एटम आपका कार्बन हो जाएगा। तो एक रफ स्ट्रक्चर आप ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए, कार्बन के लास्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन है, मैं जैसे तैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सी डबल बॉन्ड ओ बना दिया मान लो, ये सी डबल बॉन्ड ओ। अब यहाँ पे सिग्मा अगर मैं काउंट करूँ तो जब भी दो एटम के बीच बॉन्ड बनेंगे तो पहला सिग्मा होगा, रेस्ट जितने होंगे वो पाई होंगे, तो इसमें से एक सिग्मा हो गया आपका, और इधर से भी एक सिग्मा हो जाएगा। तो सेंट्रल एटम कार्बन ने दो सिग्मा बनाया है, कार्बन के वैलेंस सेल में चार इलेक्ट्रॉन था जो कि यूज हो चुका है, तो जीरो लोन पेयर है, तो 2 + 0 कितना आ गया, 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, sp। अब शेप की बात करेंगे, ये तो मैंने रफ स्ट्रक्चर बनाया, अब आपके पास काउंट कितना आया, ध्यान दो 2 आया है, डैट मीन्स यही इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रिक के लिए कि आ कितना रहा है, मॉलिक्यूल क्या उससे मतलब नहीं है, काउंट कितना आ रहा है। अगर 2 आ रहा है तो दो मार्कर को आपको अरेंज करना है सच डैट कि इनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस हो या मैक्सिमम एंगल हो। तो कोई भी बोल देगा कि सर इसको मैं ऐसे रखूँगा 180 पे, एकदम लीनियर एक लाइन पे आ जाएगा, सेंटर में कार्बन होगा, इधर ऑक्सीजन होंगे, इधर ऑक्सीजन होंगे। तो इसलिए अब शेप अगर मैं इसका बोलूँ तो क्या बोलूँगा, लीनियर, इसका शेप हो जाएगा लीनियर। और स्ट्रक्चर अब अगर करेक्ट बनाना होगा तो आपको इन तीनों ही एलिमेंट को एक लाइन पे रखना है, तो इसलिए करेक्ट स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको मैंने दिया SO3, तो अगेन सल्फर सेंट्रल एटम हो गया जो मिनिमम इन काउंट हो, और S डबल बॉन्ड O ऐसे मैंने बना दिया। नाउ अगर मैं इसमें सिग्मा काउंट करूं, तो अभी बताया दो एटम के बीच जब भी बॉन्ड बनेंगे तो एक सिग्मा होगा, रेस्ट पाए होंगे, तो इधर से एक सिग्मा है, इधर से एक सिग्मा है, इधर से एक सिग्मा है, तो सिग्मा यहाँ पे 3 है। लोन पेयर सल्फर के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन था, तो अब एक भी नहीं बचा तो 0, तो 3 + 0 का काउंट कितना हो गया, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर अब हमारे पास कितने हो गए, अब पॉइंट क्या है आपका, कि अब आपके पास
काउंट 3 हो गया है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको 3 लेने पड़ेंगे। तो ये मैंने 3 ले लिया, और इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि इनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस हो और सब इक्वल डिस्टेंस भी हो, इक्वल एंगल पे हो। तो आप कैसा बनाएंगे, ध्यान से देखो, आप बिल्कुल इस टाइप से बनाएंगे ये, या बिल्कुल आप ऐसे बनाएंगे। ये कैसा दिख रहा है आपको, एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो ये वाई शेप मेरे को दिख रहा है। समझने के लिए, ये बिल्कुल अल्फावेट का वाई दिखेगा, या मर्सिडीज का ये भी लोगो हो गया, राइट। इस टाइप से अगर मैं सर्कल ड्रॉ कर दूं तो ये मर्सिडीज का भी लोगो हो गया। नाउ अगर मैं यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। तो इसलिए इसका शेप का नाम क्या रहेगा, ट्रायंगल। और ये सारे बॉन्ड एक प्लेन में आएंगे, आपके पेपर के प्लेन में होंगे, इसलिए इस शेप का नाम रहेगा ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर मुझे इसको आप ड्रॉ करना हो, डैट मीन्स पॉइंट क्या है वो ध्यान देंगे। पॉइंट ये है कि कहीं पे भी अगर आपको 3σ0 लोन पर आ रहा है तो आपको कैसा ड्रॉ कर देना, वाई शेप में इस टाइप से। इसलिए अब SO2 का स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाऊंगा, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Y बिल्कुल दिखना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर। वाई आप चाहे तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आप चाहे तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, डैट्स ओके, बट वाई दिखना चाहिए। और वाई मतलब ये सारे बॉन्ड प्लेन में आपके। नेक्स्ट अगर SO2 हुआ तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो सल्फर सेंट्रल एटम, 2 डबल बॉन्ड ओ कर दिया और इसका एक लोन पेयर बच गया आपका। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ तो सिग्मा मेरे पास 2 ही हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, लोन पेयर अब इस केस में आपके पास 1 आ गया है, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के, तो 2+1 यहाँ पे भी काउंट कितना हो गया, 3। तो इसलिए बनाना तो अभी वैसा ही है, 3 आ गया तो आपको तो बनाना वैसा ही है, बस इसी बात को समझेंगे, यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बनाना तो आपको ऐसे ही है, 3 आ गया तो। नाउ अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक जगह पे बॉन्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कौन है, लोन पेयर, तो बॉन्ड नहीं है तो फिर उसको दिखाना भी नहीं है, तो उसको हटा दो आप। तो सपोज करो मैं इसको, किसी को भी हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे बॉन्ड एंगल 120 के हैं। तो मान लो कि मैंने इसको हटा दिया तो ये आपको कैसा दिख रहा है, अल्फ़ाबेट का वी शेप दिख रहा है, ये अल्फ़ाबेट का वी है, या यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो एक एंगल भी बन गया, या ये बेंट भी हो गया, तो इसलिए इसका नाम बहुत सारा रहेगा, वी शेप, इसको बोलेंगे वी शेप, या फिर बेंट, या फिर एंगुलर, ये सब रहेंगे। डैट मीन्स आपको कैसे बनाना है, तो सिंपल एक वी बना देना है, क्योंकि एक अब आपका बॉन्ड खत्म हो चुका है, उसकी जगह लोन पर आ गया, तो इसलिए अब SO2 का स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो ऑलवेज अब आप कैसा बनाएंगे, इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पे जो आपका था वो लोन पेयर था जो हट गया। तो इस बात को ध्यान से समझें कि मेनली पॉइंट किस पे मैं जोर दे रहा हूँ कि सिग्मा और लोन पेयर काउंट करो, मॉलिक्यूल क्या उससे मतलब नहीं है, सिग्मा और लोन पेयर काउंट कर लो आप। अगर वो 2 आता है तो आपको आंख बंद करके लीनियर बना देना, अगर 3 आ रहा है और तीनों के तीनों सिग्मा है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो वाई शेप बना देना, डेट इज ट्राइगोनल प्लेनर। अगर एक लोन पेयर आ जाता है तो इन डैट केस एक बॉन्ड हटा देना है, कहीं से भी हटा दो तो अपने आप आपके सामने रहेगा, आपकी आंखों के सामने रहेगा कि वो वी शेप होगा, उसी को बेंट या एंगुलर बोलेंगे। और यहाँ पे अगर एंगल बात करते तो यहाँ पे एंगल आपको कितना मिलता, 120 डिग्री तीनों के बीच में, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120। नेक्स्ट CH4, तो मैं कार्बन को ले लिया, और अभी मैं जैसे मैंने इसलिए लिखा है रफ स्ट्रक्चर, आपको कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट कर देना, ये कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास 4 सिग्मा है और 0 लोन पेयर है, तो 4+0 कितना हो गया, 4। तो मैटर कौन करता है, ये कि आखिर काउंट करके आया कौन, तो 4 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या रहेगा, sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी भी आपका sp2 ही रहेगा, और ये 4+0 वाले का sp3। अब आपके पास टोटल कितने हैं, 4 हैं, 4 को कैसे अरेंज करेंगे, तो एग्जैक्टली आपको ऐसे अरेंज करना है, इट्स लाइक ट्राईपॉड की तरह, ध्यान से देखें, ट्राईपॉड की तरह आपको करना है, कैमरा स्टैंड की तरह। तो यहाँ पे आप कैसे भी कर लें, मैं किसी भी प्लेन से कट करूँ तो उस प्लेन पे 2 ही बॉन्ड आएगा, एक प्लेन के आगे दिखेगा और एक प्लेन के पीछे दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 हेड आपको दिखेंगे, एक हेड यहाँ पे, एक हेड यहाँ, एक हेड यहाँ, एक हेड यहाँ, तो 4 हेड हुए, इसलिए टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, और हेड रल,
तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे, और ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड एक प्लेन में नहीं आएंगे। तो इसलिए जब भी 4+0 वाला कंडीशन आए तो आपको बोलना है शेप का नाम टेट्राहेड्रल, चार हेड आपको दिखेंगे। और टेट्राहेड्रल ड्रॉ कैसे करेंगे, तो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, जो कि बोर्ड के प्लेन में एक हाइड्रोजन आपका बोर्ड के प्लेन से आगे की तरफ होगा थोड़ा, तो उसको थिक लाइन से दिखाएंगे, और एक हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन के पीछे से होगा जो नहीं दिखेगा, तो आप उसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज NH3। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें नाइट्रोजन हो गया सेंट्रल एटम, और ये तीन हाइड्रोजन मैंने ड्रॉ कर दिया, और इसके पास एक लोन पेयर बच जाएगा। नाउ यहाँ पे सिग्मा काउंट करूँ तो कितने हो जाएंगे, 3, 3 सिग्मा हो गया, लोन पेयर कितना 1, तो अगेन काउंट कितना आ गया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या रहेगा sp3। 4 आ गया तो मैंने पहले बताया 4 को अरेंज तो वैसे ही करना है, राइट, अरेंजमेंट वही रहेगा 4 का, डैट इज टेट्राहेड्रल टाइप, इस टाइप से। नाउ पहले केस में चारों बॉन्ड थे इसलिए टेट्राहेड्रल, अब क्या हो रहा है एक बॉन्ड नहीं है, उसकी जगह पे लोन पेयर है, तो आप अगेन कहीं से भी हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे एंगल टेट्राहेड्रल में 109 के होंगे, और ऐसे एंगल कितने हैं तो आप देख सकते हो 6 हैं। अगर मान लो किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हटा दो, तो ये 3 एंगल तो आपको दिख जाएंगे। जब आपने इसको ऊपर से रखा तो ये तीनों से बनाएगा, इस ब्लैक वाले से, इस रेड वाले से, इस रेड वाले से, तो टोटल 109 डिग्री 28 मिनट के 6 एंगल है। सारे एंगल इक्वल हैं इसलिए मैं कहीं से भी हटा सकता हूँ अभी। तो सपोज करो मैंने ऊपर से हटा दिया इसको, तो अब ये कैसा दिख रहा है, पिरामिड, मिस्र में जो ऊंची ऊंची जगह थी उसको पिरामिड बोलते थे, तो ये स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, शेप का पिरामिडल। तो इसलिए ये चीज़ें सब क्या हो गई, फिक्स हो गई, तो आप क्या बोलेंगे, पिरामिडल। तो ध्यान दो, इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ कि आपको जैसे ही 2+0 आए लीनियर मॉलिक्यूल कोई भी हो, 3+0 आए ट्राइगोनल प्लेनर, 2+1 आए वी शेप बेंट एंगुलर, और रटना नहीं है क्योंकि आपको करके बताया कैसे करना है, 4+0 टेट्राहेड्रल, 3+1 पिरामिडल, और इसलिए अमोनिया का स्ट्रक्चर अब हमें बनाना होगा, तो आपको पिरामिड की तरह इस टाइप से बना देना, और इधर में लोन पेयर आपका रहेगा। नाउ नेक्स्ट H2O, तो आप इसमें ध्यान से देख सकते हो, ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम, अभी मैं जैसे तैसे बना रहा हूँ, तो ये मैंने बना दिया, इसके 2 लोन पेयर बच गए। तो यहाँ पे अगर काउंट करोगे तो आपके पास सिग्मा 2 हैं सेंट्रल एटम ने, और सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर है, तो यहाँ भी काउंट कितना आ गया 4, 4 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगा। अगेन अरेंजमेंट आपको वही रखना है, 4 आते ही अरेंजमेंट आपका पहले फिक्स कर लो। मेरे ट्रिक का या कहने का मतलब यही है कि जो 4 जैसी आया तो आप ऐसे अरेंज कर लो। अब सोचो कि क्या करना है, चारों बॉन्ड होते तो यही रह जाता टेट्राहेड्रल, एक बॉन्ड हटाना था तो हमने हटा दिया था तो पिरामिडल, एक और हटाना है तो ये हटा दो, तो ये अपने आप देख लो ये कैसा दिख रहा है आपको, फिर से वी शेप आ गया, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, वी शेप या फिर एंगुलर, वी शेप बेंट या फिर एंगुलर। और इसलिए आप वाटर का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो अब आपको वी टाइप में बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे। एंगल भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसका तो आपको मालूम ही है 109 डिग्री 28 मिनट है, इसका 107, ये लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा एंगल कम हो जाएगा, और यहाँ पे 104.5 डिग्री होता है। ये अमोनिया और वाटर का आप याद रखना, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। नाउ नेक्स्ट HCl, तो आप ड्रॉ कर देंगे HCl, यहाँ पे क्लोरीन ने एक सिग्मा बनाया और 3 लोन पेयर है, अभी भी काउंट 4 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 रहेगा। आप खुद ही सोचो, अगेन जैसे ही 4 आया, मैंने कई बार बोल चुका ये बात, आपको अरेंज तो ऐसे ही करना है, फिर से देख लें सब लोग जिसको नहीं समझ में आया, 4 आया तो ऐसे अरेंज करना है, चारों बॉन्ड होते तो टेट्राहेड्रल, अगर 3 बॉन्ड है एक लोन पेयर है तो लोन पेयर हटा दो एक, तो ये पिरामिडल, अब 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर है तो एक और हटा दो तो ये वी शेप, अब 3 लोन पेयर एक ही बॉन्ड है तो एक और हटा दो, तो ये कैसा हो गया, ये दोनों तो 2 ही एटम है तो वैसे भी सोचना ही नहीं था लीनियर होंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये लीनियर। तो ये हो जाएंगे आपके लीनियर।
और सिंपल आपको ऐसे ड्रॉ कर देना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जस्ट आई एम सेइंग कि अभी तक दिक्कत क्यों नहीं हुई, क्योंकि चाहे वो टू वाला केस हो या थ्री वाला या फोर वाला, सभी में बॉन्ड एंगल इक्वल थे, इसलिए हम कहीं से भी लोन पेयर को हटा पा रहे थे। नेक्स्ट जो मैं केस लेने वाला हूँ उसमें अब लोन पेयर हमें कहाँ से हटाना है, तो डैट्स वेरी सिंपल, मैक्सिमम एंगल पेयर से हटाना है। बस एक ही पॉइंट देखना है, ऑलवेज लोन पेयर को हटाना हो तो मैक्सिमम एंगल से हटाना है। अगर सारे एंगल सेम है तो इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है, अगर एक से ज़्यादा टाइप के एंगल हैं तो मैक्सिमम एंगल से लोन पेयर को आपको हटाना है। तो मैं अब नेक्स्ट पे जाता हूँ। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइव से रिलेटेड। तो मैंने लिया PCl5, तो रफ स्ट्रक्चर फास्फोरस के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 Cl आप कनेक्ट कर दो जैसे मन करे वैसे। पहले क्विकली रफ स्ट्रक्चर, अब इसमें काउंट कर लो, आप देख सकते हो 5 सिग्मा है, फास्फोरस अपने सारे इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, 0 लोन पेयर, तो कितना आ गया आपको 5। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, तो 5 हो गया तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, sp3d। नाउ 5 को कैसे अरेंज करेंगे, तो डैट्स वेरी सिंपल। 5 को आप कैसे अरेंज करेंगे, नाउ 5 को कैसे अरेंज करेंगे, तो डैट्स वेरी सिंपल। 3 को आप ऐसे जैसे ट्राइगोनल प्लेनर वाला था, और एक प्लेन के आगे और एक प्लेन के पीछे ऐसे दिखेगा आपको, ध्यान से देखो ये वाला आपको ऐसे दिखेगा। तो 3 जो आपके प्लेन में हो गए, और एक ये प्लेन से आ गया और एक ये पीछे आपको नहीं दिख रहा होगा, ये एक्चुअली में अगर मैं दिखाऊं तो ये ऐसा होगा, तो फिर वो पीछे वाला आपको नहीं दिखेगा। तो ये हो गया, तो ये कैसा हो गया ट्राइगोनल, और ये भी ऊंची जगह और पीछे भी एक ऊंची जगह है, तो इसलिए बाई पिरामिडल, तो नाम इसका क्या हो जाएगा ट्राइगोनल। ट्राइगोनल वो 3 वाला प्लेनर था, ये हो जाएगा बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो ये फास्फोरस 3 क्लोरीन ये बोर्ड के प्लेन में, 1 क्लोरीन ऐसे बोर्ड के प्लेन के अप में, और 1 क्लोरीन बोर्ड के प्लेन के डाउन। तो उसको कैसे दिखाएंगे, एक ये थिक लेंस है और एक ये डॉटेड लेंस है। तो यहाँ पे एंगल जो है वो 120 वाले भी हैं, और यहाँ से यहाँ वाला 90 वाले भी हैं, 2 डिफरेंट टाइप के एंगल है। और बाय द वे इस CLCL में जो प्लेन के अप डाउन में उसमें 180 है, दैट इज अनदर थिंग, बट 120 और 19 2 डिफरेंट टाइप के एंगल है यहाँ पे। नाउ SF4 की बात करें, सल्फर के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन आप अटैच कर दो, और यहाँ पे 1 लोन पेयर आपका रहेगा। तो आप देख सकते हो आपके पास हो जाएंगे 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो अभी भी काउंट कितना गया 5, बस काउंट 5 आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन इज फिक्स। तो अभी भी 5 को अरेंजमेंट तो वही रहेगा बेटा, अरेंजमेंट जो है वो वही रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। नाउ अब यहाँ पे आपके पास एक प्रॉब्लम आएगी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट केस है कि अब हम बॉन्ड हटाए कहाँ से, क्योंकि एक लोन पेयर आ गया है। तो हमने पहली पॉइंट आपको दे दिया है मैक्सिमम एंगल से, मैक्सिमम एंगल कौन है 120, क्योंकि ये वाला कितना है, ये तो 90 है, तो आप 120 वाले से हटाएंगे। तो 120 वाले से अगर मैं सपोज करो हटा देता हूँ इसको, तो आप देखो ध्यान से, तो ये गार्डन में गए होगे, इस टाइप का एक झूला भी रहता है, सीशॉ बोलेंगे, या फिर मैं अगर इसको सीधा कर देता तो ये स्क्वायर में आ जाता, राइट, ये स्क्वायर में आ जाता, लेकिन इसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है, तो इसको क्या बोलेंगे, फोल्डेड स्क्वायर। तो इसको हम फोल्डेड स्क्वायर ही बोल सकते हैं, सीशॉ स्ट्रक्चर हो गया इस टाइप से। मैदान में जाओ और एक तरफ आप बैठो, एक तरफ आपका फ्रेंड बैठेगा, राइट, जिसका वेट ज़्यादा वो नीचे। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि इसका नाम हो जाएगा सी सॉ, या फिर इसी को बोलेंगे फोल्डेड स्क्वायर। बनाएंगे कैसे, तो वेरी सिंपल, आपको 120 वाले से हटाना है, तो यहाँ पे ये सल्फर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये 120 वाला हट गया, एक फ्लोरीन प्लेन के अप और एक फ्लोरीन प्लेन के डाउन, यहाँ पे एक्चुअली में कौन आ गया आपका लोन पेयर। नाउ अगर CLF3 हो तो आप ध्यान से देखो, CLF3 होगा तो क्या करेंगे, क्लोरीन और इसके साथ 3 फ्लोरीन को आप अटैच कर दो, जैसे मन करे अभी वैसे कर सकते हो। क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन था, जिसमें से 3 बॉन्ड बनाया, 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, तो कितना हो गया 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, अगेन काउंट 5, तो 5 आया, तो फिर से वही पॉइंट सेम रहेगा, राइट।
हाइब्रिडाइजेशन अभी भी आपका क्या रहेगा, sp3d। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब हम करेंगे कैसे, तो डेट्स वेरी सिंपल, आपको भी बताया था ये आपका ऐसे रहेगा, राइट, ये आपका ऐसे रहेगा राइट, और ये आपका ऐसे था, तो ये था आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जब एक लोन पर आया तो 120 से हटाया, ये हटा दिया, एक और लोन पर आया तो अब यहाँ से हटा देंगे, तो ये कैसा दिख रहा है आपको, टी शेप, ध्यान से देखो तो ये कैसा हो गया, टी शेप, राइट। तो अल्फाबेट का ये कैसा हो गया, टी शेप, तो इसको बोलेंगे टी शेप। इसमें अगर बताऊँ तो सीएल हो गया, अब आपका एक फ्लोरीन रह गया, दो फ्लोरीन की जगह आपका क्या आ गया है, ये लोन पेयर, और एक फ्लोरीन प्लेन कैप वाले रहेंगे और डॉन वाले, तो ये आपका कैसा दिख रहा है, टी शेप। नाउ XeF2, तो अगर इसके बारे में बात करें तो जेनॉन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जिसमें से दो फ्लोरीन से कनेक्ट किया, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, डैट मीन्स 3 लोन पेयर बच जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा आपका 2 है बट लोन पेयर 3 है, तो काउंट फिर से कितना आ गया, 5, और 5 आते ही फिर से वही बात, हाइब्रिडाइजेशन आपका रहेगा sp3d। आप खुद ही सोचो, फिर से देखो, मैं बार बार वही बना रहा हूँ, और अगेन एक लास्ट टाइम भी समझ लो आप कि ये था आपका जब 3 था ट्राइगोनल प्लेनर, बाइपिरामिडल करना था तो उसी में अप एंड डाउन में ऐसे थे, ये पांचों अगर बॉन्ड होते तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। अब एक बॉन्ड कम करना है तो आपको कहाँ से हटाने पड़ेंगे, 120 से, मैक्सिमम एंगल से, तो ये हटा दिया तो ये आ गया था सीसॉ या फोल्डेड स्क्वायर। नाउ एक और हटाना था तो ये हटा दिया था तो ये आ गया था आपका टी शेप। आप खुद ही सोचो, एक और हटाना और ऑलवेज कौन सा, 120 वाला, तो ये हट जाएगा, तो ये वाला आपका ऐसे वाला बचा रह जाएगा, राइट। तो ये कैसा हो गया, लीनियर। फिर से देखें एक बार, आपका ऐसे था ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 120 वाले कौन कौन है, ये ब्लैक वाले, ये रेड वाले, और ये इधर नीचे ब्लू वाले, तो यानी मैं नीचे ब्लू वाले को हटाया एक लोन पेयर, ब्लैक को हटाया दो लोन पेयर, रेड को हटाया तीन लोन पेयर, तो अब सिर्फ सीधा बच गया कौन सा, लीनियर, तो राइट। तो इसलिए इसका शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर। और बनाना होगा तो कैसे बना देंगे, एक फ्लोरीन प्लेन के अप में, एक फ्लोरीन प्लेन के डाउन, और इधर आपका ये 3 लोन पेयर था, तो ये लीनियर शेप हो जाएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं SF6, तो सल्फर के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 फ्लोरीन आप ऐड कर दो, और जैसे मन करे अभी वैसे ऐड कर दो, तो यहाँ पे 6 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, तो कितना हो गया टोटल काउंट, 6 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। अब 6 को कैसे अरेंज करेंगे, तो डैट्स वेरी सिंपल, 6 को जब भी अरेंज करना हो तो आप xyz एक्सिस थिंक करेंगे, बिल्कुल XYZ एक्सिस आपको थिंक करना है, ध्यान से देखो XYZ एक्सिस थिंक करना है। ये ब्लू वाला सपोज करो X एक्सिस हो गया, ये ब्लू वाला Y एक्सिस, और ये ब्लैक Z एक्सिस, ये, तो अगर मैं यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँ तो टोटल 8 डॉटेड लाइन ड्रॉ होंगी, राइट, 4 अप से और 4 डाउन से कनेक्ट करूँ, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ध्यान दें, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में बॉन्ड 6 ही हैं, डॉटेड लाइन 8 बन रही है, इसलिए नाम पड़ा उसका ऑक्टाहेड्रल। इट डजेंट मीन कि ऑक्टाहेड्रल में 8 बॉन्ड है, और ये बिल्कुल X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस है, अप एंड डाउन आप बिल्कुल एज्यूम कर सकते हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये आपका हो गया ऑक्टाहेड्रल। तो शेप का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। इसको बनाना होगा तो 4 बॉन्ड आपका एक प्लेन में हो जाएगा, बोर्ड के प्लेन में, स्क्वायर टाइप में, और एक बॉन्ड आपका ये प्लेन के अप में होगा, बोर्ड के प्लेन के अप, और एक डाउन में, तो उसको कैसे दिखाएंगे, अगेन एक थिक लाइन से और एक डॉटेड लाइन से। यहाँ पे सारे ही एंगल, ध्यान देने वाली बात है, सारे ही एंगल यहाँ पे कितने हैं, 90 डिग्री के, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि इसमें कितने हैं 90 के, तो कुछ बच्चे कन्फ्यूज आते हैं, इसमें टोटल 1290 के होंगे, कैसे नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको अभी हटा दो, ये स्क्वायर हो गया 2D में, 4 दिख रहा है, जब इसको रखा इसके ऊपर तो इन चारों से इसने बनाया 90, नीचे से रखा तो भी इन चारों से बनाया 90, तो टोटल 1290 के होंगे, 180 के 3 हो जाएंगे, राइट, XYZ एक्सिस वाले, तो यहाँ पे एंगल आपका रहेगा 90 डिग्री वाला। नाउ IF5, तो आयोडीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन जिसमें से 5 फ्लोरीन को कनेक्ट कर दो आप,
तो आपके पास एक लोन पेयर बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, अभी भी 6 आ गया। तो मेनली इसलिए मैं इसको ही कर रहा हूँ कि इससे मतलब है 6 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन इज फिक्स sp3d2। 6 को अरेंजमेंट तो वैसे ही रहने देना, अभी भी अरेंजमेंट तो वही रहेगा। नाउ अब एक लोन पेयर है तो वो हटा देना, कहीं से भी हटा दो क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल सेम है। तो सपोज करो मैंने हटा दिया नीचे वाले को, तो अब ये कैसा दिख रहा है, स्क्वायर और एक ही ऊपर में ही ऊंची जगह है, तो स्क्वायर पिरामिडल। तो क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर पिरामिडल। और इसमें बनाना होगा तो ये आयोडीन 4 फ्लोरीन आपका बोर्ड के प्लेन में, 1 फ्लोरीन बोर्ड के प्लेन के आप, और इधर में आपका लोन पेयर हो जाएगा। नाउ XeF4, तो XeF4 का अगर बनाना हो तो जेनॉन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन 4 फ्लोरीन आप कनेक्ट कर दो तो 2 लोन पेयर बच जाएंगे। तो ये 4 और ये 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। तो अभी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3d2। अगेन अरेंजमेंट तो सेम ही रहेगा, जैसे ही 6 आया अरेंजमेंट आपको ऐसा xyz एक्सिस, 6 बॉन्ड होते तो यही हो जाता, दैट इज ऑक्टाहेड्रल, या इसी को बोल सकते थे स्क्वायर बाई पिरामिडल, ऊपर नीचे दोनों होता। अब एक लोन पेयर आया तो हटा दो लोन पेयर, तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल। एक और लोन पेयर आया तो ऑलवेज 180 वाला हटाना है ताकि रिपल्शन खत्म हो जाए, तो ये हटा दिया तो क्या बचा, सिर्फ स्क्वायर, और स्क्वायर एक प्लेन में आ जाएगा इसलिए क्या नाम रहेगा, स्क्वायर प्लेनर। और बनाना होगा स्ट्रक्चर तो चारों ही फ्लोरीन आपके बोर्ड के प्लेन में होंगे, और एक लोन पेयर अप एक लोन पेयर डाउन। तो इस तरीके से हम इजीली सारे का शेप हाइब्रिडाइजेशन याद रख सकते हैं। सब आपके हाथों में मैंने दे दिया है, 2-3 पेन लेकर के जाओ और पूरे को अच्छे से आप वहीं पे विजुलाइज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, अगर 7 होंगे तो IF7 लिया तो आयोडीन से आप 7 फ्लोरीन को अटैच कर देंगे, क्योंकि आयोडीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक रफ स्ट्रक्चर, सिग्मा इसमें 7 हो गए, लोन पेयर 0, 7 प्लस 0 7, मैटर ये करेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, 336 और 17 हो गया। शेप तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 5 बॉन्ड को आपको एक प्लेन में रखना है पेंटागन की तरह, तो यहाँ पे आयोडीन होगा और 5 फ्लोरीन को आपको एक प्लेन में रखना है लाइक पेंटागन, और एक फ्लोरीन बोर्ड के प्लेन के अप और एक डाउन में होंगे। तो उसको मैं कैसे दिखाऊंगा, इस टाइप से। तो इसको अगर मैं कनेक्ट करूं तो ये कैसा हो जाएगा आपका, पेंटागन। तो इसलिए नाम क्या हो जाएगा इसका, पेंटागोनल, क्या बोलेंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। मैंने शेप यहाँ ड्रॉ कर दिया, स्ट्रक्चर उधर लिख दिया, इट्स ओके फाइन। तो ये पेंटागल 5 बॉन्ड एक प्लेन में होगा, एक प्लेन के अप और एक प्लेन के डाउन। और अगर सपोज करो XeF6 है तो यहाँ पे 6 फ्लोरीन आपको कनेक्ट करना है, तो जेनॉन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें 6 यूज के लिए, तो एक लोन पेयर बच जाएगा, तो 6 प्लस 1, तो ये भी 7 हो जाएंगे। मेजर ये ध्यान रखना है, हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा, sp3d3। अब इसमें लोन पेयर कहाँ रखोगे, तो वही सेम ट्रिक, मैक्सिमम एंगल, इसमें एंगल कितना कितना बन रहा है तो आप ध्यान से देखो, तो पेंटागन है तो इसलिए 72 डिग्री, 72 × 5 = 360, एक प्लेन में 360, और ये प्लेन के अप है डाउन है तो 90 डिग्री, तो मैक्सिमम एंगल वाला कौन हो गया, 90। तो इसलिए आपको कहाँ पे रखना पड़ेगा, एक्सियल वाले पे। तो इसलिए इसको बोलेंगे, इस शेप का नाम होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 6 बॉन्ड है बट डिस्टॉर्ट हुआ है, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं पेंटागोनल पिरामिडल भी बोल सकते हैं। और इसका बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, जेनॉन और यहाँ पे 5 फ्लोरीन आपका एक ही प्लेन में रहेगा और एक फ्लोरीन प्लेन के अप होंगे और एक जगह पे आपका लोन पेयर होगा। तो आई होप ये मेरा ट्रिक आपको समझ में आया होगा, और आपको कोई भी स्ट्रक्चर को रटने की जरूरत नहीं है, शेप को, सब कुछ आपके हाथ में, आप 4 पेन लेके जाइए एग्जाम में और सब आप आंखों के सामने बना सकते हैं। जस्ट कोशिश क्या करना है, 2 ही पॉइंट है, मैक्सिमम एंगल क्रिएट करना है, और अगर हटाना होगा तो पहले मैक्सिमम एंगल से हटाएंगे। तो आप इसी तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।